पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुपहर 3 बजे मुनाकिद होगा। इजलास का एजेंडा 2 निकाती है। एजेंडे के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे, जिस पर अरकान बहस में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान सानी से मुलाकात। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना तल्लुकात पर गौर किया और तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में सफ़ीर के शानदार किरदार को भी सराहा। इस दौरान वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वफ़्द को हालिया दौरे का जिक्र किया। वफ़्द से मुलाकात में आला सतह राबतों, फूड सिक्योरिटी, तवानाई, IT, कानकनी और दिफा के शोबों में तआवुन पर बातचीत हुई। कोक के सदर सुल्तान अहमद अल जाबर एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। सुल्तान अहमद अल जाबर आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में आएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। सुल्तान अहमद जाबर कोप 28 के सदर होने के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए सनत और जदीद टेक्नोलॉजी भी हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीरनशाह में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। धमाके के नतीजे में 3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात यामा के मुताबिक खुदकुश हमलावर का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुसैन हैदर। हेडलाइंस आप न जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।